देश में अभी तक कुल 23,61,98,726 लोगों को COVID-19 रोधी टीके लग चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कमजोर होने के बीच केंद्र ने टीकाकरण के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम लागू करने के लिए नए दिशा निर्देश लागू कर दिए हैं। ये निर्देश 21 जून से लागू होंगे। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में प्रदान की जाने वाली COVID-19 वैक्सीन की खुराक, जनसंख्या, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति जैसे मापदंडों के आधार पर आवंटित की जाएगी। इन तत्वों को राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देश भी शामिल किए गए हैं। 21 जून से लागू होने वाले संशोधित दिशा निर्देश की समय समय पर समीक्षा की जाएगी।